बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और सैटरडे दोपहर से भरी दोपहरी से ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। कल इवनिंग में श्रीदेवी ने कॉल करके बोला कि भाभी मैं और एक दिन ज्यादा छुट्टी लूंगी, मैं कल भी नहीं आऊंगी। तो गेस्ट आता है ना, सिर्फ कुकिंग छोड़ के भी आपका बहुत सारा एक्स्ट्रा काम रहता है। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो कि कोई हमारे घर पे गेस्ट आने से हमको होता है। कल रात के 12:30 बजे तक मैंने और मिष्टू ने ड्रेसिंग टेबल, रात को मुझे नींद भी नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि जब नींद नहीं आ रहा है तो काम टाइम का सदुपयोग करूं। मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है कि कौन आने वाला है, तो आज मैं जरूर बता दूंगी कि कौन आने वाला है कल हमारे घर पे। बस लंच करूंगी, लंच करने के बाद वही सोच रही हूँ कि गेस्ट आएंगे, खीर बनाऊं, हम भी खा लिए। तो चलिए फटाफट खाना खा लेते, पेट में ना चू चू, और नहा के आई हूँ तो ज्यादा भूख लग रहा है। आज हमारा लंच एकदम सिंपल है, यहाँ पे एक सब्जी बनाई हूँ तो मैं मिष्टू के लिए और अपने लिए एक कटोरी उठा के लेके आई हूँ अलग से। और ये एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है टमाटर की चटनी, इसमें है खजूर, आम शोत्तो मतलब आम पापड़ से, और ये जो कलर है ना ये टमाटर का ही है, जो टमाटर कल हम लाए थे बाजार से बहुत ज़्यादा रेड है, स्पेशली कल के लिए बना के रखी हूँ। ज़्यादा करके है फिश भांगड़ा, इसको सरसों से बनाई हूँ। और यहाँ पे है टॉक दाल, आम है ना, आम को सूखा के इसको हम लोग आमशी बोलते हैं, तो ये मेरी मम्मी बना के रखती है, मम्मी ने दिया था जब मैं अगस्त में गई थी। उससे मसूर की दाल थोड़ा पतला करके और राइस, बस ये आज हमारा लंच। और एक बार जितने भी डोर मैट्स हैं उन सबको धोया सुबह होली के जितने भी कपड़े कल, क्योंकि कपड़े हम पहने की ना पहने उसको धो के तो रखना है, सब अच्छे से धो के सुखाया, सब सूख गया हाथ से ही। अनिरुद्ध ऑफिस गए हैं, सैटरडे है, थोड़ा जल्दी आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे फिश लाने, नॉनवेज शॉपिंग करने, क्योंकि कल से वेजिटेबल्स लेके आए थे, नॉनवेज कुछ नहीं लिया था। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए बस 1 घंटा, उसके बाद मैं 5 बजे तक खीर बनाऊँगी। 1 घंटे के लिए जाके ना मैं थोड़ा सा उस रूम पर बेड कवर वो सब बिछा देती हूँ, और कल का जो होली का वीडियो है उसको अभी तक एडिट करना शुरू भी नहीं की, उसको जितना हो सके एडिट करके रखती हूँ, क्योंकि फिर इवनिंग में ना टाइम नहीं मिलेगा। इसी टाइम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये बहुत अच्छा टाइम है शेयर करने के लिए। मेरे घर पे आ रहे हैं मेरी मम्मी, मेरे भैया, भाभी, उनके बच्चे, सब लोग। बोलो कुछ पुराना वाला देखे हैं तो गैस की जो बॉशन हो नहीं तो एक बार देखे तो आ रहे। मिष्टू को बिल्कुल नहीं पता, मिष्टू को पता है कि हमारे अनिरुद्ध के कोई फ्रेंड आ रहे हैं हमारे घर कल, तो उसको बिल्कुल नहीं पता कि मेरी मम्मी पापा मम्मी भाभी फिर बच्चे आ रहे हैं। तो उसके लिए एक सरप्राइज है। इस 2 साल में कोविड की वजह से कोई नहीं आया, मतलब लोकल छोड़ के मिस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन हमारे घर पे ना कभी ना कभी कोई ना कोई आता ही रहता है, आता ही रहता है। स्पेशली जब हम जमशेदपुर थे में एक बार तो कोई ना कोई आता ही है। और जमशेदपुर में थे क्योंकि जमशेदपुर से वेस्ट बंगाल जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, सिर्फ 4 घंटे का रास्ता है हावड़ा। तो मिष्टू को हमेशा चाहिए होता है कार्टून कैरेक्टर्स, हमें बस कार्टून कैरेक्टर्स के है अभी। तो अभी डोरेमोन चाहिए क्योंकि डोरेमोन फेवरेट है, तो अभी तक मैं अंदर में वही ढूंढ रही थी। तो ये रेडी हो गया हमारे गेस्ट के लिए बेड, वॉशरूम हो, किचन हो, जहाँ के भी जो फिटिंग्स है ना वो सब स्टील के हैं, जैगुआर के हैं। पानी का जो स्पॉट है ना वो नलों के ऊपर हो जाता है वाइट वाइट वाइट, पानी जितना भी अच्छा क्वालिटी का हो फिर भी। मैं साफ करती हूँ, ये है एक क्या बोलते हैं मोदी केयर का स्पिक एंड स्पैन, ये मतलब स्केल एंड बाथरूम क्लीनर, ये स्पेशली नल के लिए ही है, ये मोदी केयर का है और ये ना काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरे भैया ने मुझे दिया था कि तुम यूज़ करना, तो मैं फिर इसको लगभग अगस्त लास्ट ईयर अगस्त से यूज़ कर रही हूँ। तो नल ना बहुत चकचक चकचक होते हैं। अटैच्ड बाथरूम है इसका, सिर्फ नल बाकी है करना। यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा पानी का दाग है ना ये थोड़ा सा लग रहा है कि उतना ही नहीं है, तो यहाँ पे एक ऐसा होल है, इसको थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा सा लिया ना मैंने और इसको हमको
इस पे ऐसे लगा के जो है रख देना है अच्छे से। तो ये नल छू रहा है और पानी गिर रहा है बाल्टी में। स्पेशली देखिए यहाँ पे ना शावर का पानी गिरता है ऊपर से। अभी इसको ऐसे रख दूंगी, फिर 2-3 मिनट बाद इस कपड़े को थोड़ा गीला करके फिर इसको पोंछ दूंगी। थोड़ा सा ही ज्यादा एडिट हुआ है, हाफ पूरा मतलब हाफ से भी थोड़ा कम एडिट हुआ है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन पे और अभी बच गए हैं पक्का 5 और बनाऊंगी मैं सिवई की खीर। तो इसके लिए ना मैंने मतलब क्या बोलते हैं, एडिट करते करते एक बड़ा काम कर लिया है, दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है। और मैं ना खीर हमेशा ऐसे ये इस कंटेनर पे बनाती हूँ। प्लेट देख रहे हैं ना, होली के दिन रात में जब मैंने होलिका के दिन रात में जब मैंने वीडियो एंड किया उसके बाद हमारे सामने जो आंटी है जो नई आई है दिसंबर पे आई है, वो आंटी यहाँ पे मराठी लोग पूरन पोली बहुत बनाते हैं अपने भी किसी अच्छे फेस्टिवल पे, जैसे होली या तो फिर गुड़ी पड़वा, मतलब उन लोगों का न्यू ईयर। जैसे हमारा न्यू ईयर होता है बंगाली न्यू ईयर, वैसे मराठी न्यू ईयर को गुड़ी पड़वा बोलते हैं। तो उन्होंने हमको पूरन पोली दिया रात को, तब 10 बज गया था ऑलरेडी, तो हमने तभी खा लिया जब मैंने वीडियो को तब एंड किया। तो उनका प्लेट कटोरी ऐसे रखा है तो उनको भी कुछ ना कुछ देना है बना के, वही सोच रही हूँ क्या बना के दूं। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा फ्राई कर लूंगी घी में, उसके बाद मैं सीमे को फ्राई करूंगी। यहाँ पे मैं आमंड को चॉप करूंगी, भूल गई, काजू और किशमिश है, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। तो ये फुल क्रीम मिल्क है ना, इसलिए इसमें बहुत अच्छा एक मलाई जैसा गाढ़ा हो गया है, देख सकते हो, और उसी में भी कुक हो ही गया है लगभग। और जो फ्राइड ड्राई फ्रूट्स है इसको दे रही हूँ मैं, 4 इलायची पाउडर करके रखी हूँ मैं ना, ये जो छिलके हैं इलायची के ये भी देती हूँ, और बस इसको भी मिक्स करना है। ये जो घी है ना, ये लास्ट में कोई भी खीर या जैसे सूजी में भी हम देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी इसको मैं ढक दे रही हूँ और यहाँ पे मिष्टू ही कर रही है और बाहर वाला जो रैक था ना, मैं वहां पे जो बर्तन धोई हूँ उसको नीचे उतार के रखी हूँ। 6 है मतलब एक साथ, ये यहाँ 3 वहाँ 3, तो मैं जो ये फ्रूट का बास्केट है ये यहाँ पे रखी हूँ और जो सिवई का पैकेट एक्स्ट्रा जो हड़बड़ी में हमको ये रखना है वो यहाँ पे रस्से रखती हूँ। मिष्टू को दे दिया है खीर और मिष्टू ने खा के एक बार अपना रिव्यू दे दिया है, सेकंड टाइम, पहले बोल दिया है उसने अच्छा बना है। अभी हम लोग जा रहे हैं नॉनवेज शॉपिंग करने और खीर अच्छा बना है। हेलो मिष्टू। हेलो, क्या देख रही हो? इधर में। अच्छा, इधर में सब कराते सीख रहे हैं बच्चे। तो मिष्टू को भी मुझे देना था लास्ट टाइम, बट मिष्टू का फाइनल एग्जाम था बोल के। अभी करोगी? नेक्स्ट मंथ से कुछ? नेक्स्ट मंथ से। चलो बाबाई, बाइक निकाल ले। चलो, वो है आर्मांच, ये हम लोग फिश शॉप पे फिश चूज कर लिए हैं, अभी खड़े हैं और फिश ले रहे हैं। उसका एक दांत आया जो टूट गया था, और इस दुकान पे ना बहुत सारे फिश रहते हैं बंगाली फिश। बेटी मैं वहाँ पे थोड़ा सा पार्लर गई थी आईब्रो के लिए, बाप बेटी यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या खाया? पापा ने पैटी सर, मैंने ओइल गोल वाला। अबे मैं हाँ आमियो खाबो, आमी कानो खाबो। खा लेती हूँ, बंद कर दो। है हम आ गए हैं बाहर से, बहुत
पहले आ गए हैं और आने के बाद कल के लिए बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं, जैसे कल सुबह बनाऊंगी चिकन, फिर आलू परवल सब्जी, फिर दाल वो सब रहेगा, फिश तो यहाँ पे उसके लिए कतला, बड़ा फिश जो कतला एक फिश उसको मैरिनेट कर लिया है, और क्योंकि जितना देर तक वो मैरिनेट रहेगा वो उतना अच्छा होगा, कुक भी जल्दी होगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चिकन को भी मैरिनेट कर लिया है दही सब जो ड्राई स्पाइसेस है सबसे, क्योंकि कल सिर्फ ऑनियन गार्लिक काटना है और फटाफट कुकिंग करना है। और इस पे भी फिश है, आइसक्रीम नहीं है, फिश है और थोड़ा सा प्रॉन लाई हूँ क्योंकि इचोर चिंगड़ी जैकफ्रूट लाई थी ना आप लोगों को कल दिखाई थी, तो जैकफ्रूट के लिए थोड़ा सा इसमें प्रॉन है। टैंगरा फिश है जिसको फ्रिज में ऑलरेडी रख दिया है। तो बस अभी ड्रेस चेंज करना है और उसके बाद सो जाना है, और बहुत सारी काम आज किया जिसमें से मैंने 60% शूट किया और 40% शूट नहीं किया। तो जब आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए आपको जितना भी काम करना पड़े आपको बहुत अच्छा लगता है, और खीर बहुत अच्छा बना है। मैंने सिर्फ एक स्पून टेस्ट किया मिष्टू से, तो कल उनके साथ ही बैठ के एक साथ हम खाएंगे, और जब खाएंगे आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे हम एक साथ बैठ के खा रहे हैं। तो आप लोग का ये वीडियो जब पब्लिश होगा तब तो वो आके शायद एक दो दिन हो भी जाएगा क्योंकि अब तक मैंने होली का वीडियो ही एडिट नहीं किया है, फिर उसके बाद ये वीडियो शायद परसों तक जाए। तो वही है, चलिए अभी बहुत ज़्यादा थका लग रहा है, आप मेरा फेस देख के सोच समझ सकते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा थकी फील कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठना है, कुकिंग करना है, और अनिरुद्ध बोल रहे हैं तुम लोग भी चलो स्टेशन, तो हम लोग भी शायद स्टेशन जाएंगे, तो स्टेशन जाने से पहले मुझे सब कुकिंग करना है, देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं, अगर कर पाऊँगी तो ही जाऊँगी, नहीं तो अनिरुद्ध को ही बोलूँगी अकेले जाओ। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, फटाफट हम तैयारी कर रहे हैं और गेस्ट आने से पहले हमारा प्रिपरेशन अच्छा लगे, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल पे नए हैं और देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय।